इस तरह से दोस्तों वाइप डाटा का ऑप्शन सक्सेसफुली आया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड मेथड में आपको जो यहाँ पर पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर इंटर करने का ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड, पासवर्ड यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, पासवर्ड जो पता नहीं है, पासवर्ड को यहाँ पर ट्रिक के साथ आपको इसको अनलॉक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर यदि आप ओल्ड मेथड में जाएंगे तो आपको जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ओप्पो का सेट में ये आपका यहाँ पर दोस्तों वर्किंग नहीं है, ओनली जो आपको यहाँ पर जो कोड है और आपका यहाँ पर जो आपको ट्रिक है इस कोड के आपके साथ यहाँ पर करना है। तो इस तरह से ओप्पो का किसी भी सेट का दोस्तों आप यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर पैटर्न या पिन लगा के भूल गए, आपको पता नहीं है, तो उसको ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर अनलॉक करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आप यहाँ पर सिंपल तरीका से यदि आप यहाँ पर पावर ऑन बटन को यहाँ पर प्रेस करते हैं, सबसे पहले बिना ट्रिक का आप यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करते हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ पर प्रेस करते के साथ ही ओप्पो जो है ओप्पो लिखा हुआ आ जाएगा, रिकवरी मोड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगला स्टेप जो आएगा इसमें आपको यहाँ प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि आपका यहाँ पर वर्किंग आपका यहाँ पर किस तरह से आपका यहाँ पर नहीं करता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्शन आ जाएगा दोस्तों, लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में जो वाइप डाटा का जो ऑप्शन है वाइप डाटा में यहाँ पर जाएंगे। तो आप वाइप डाटा में जाने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर इंटर करने का ज़रूरत पड़ेगा, आपका यहाँ पर वर्किंग नहीं होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर अनलॉक नहीं होगा। तो आइए दोस्तों इसको बैक करते हैं और रिबूट सिस्टम है, रिबूट करते हैं फ़ोन को। रिबूट यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पर ऑफ होकर ऑन हो जाएगा, और आपका जब फ़ोन यहाँ पर ऑन हो जाए तब आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस ट्रिक से आप इसको आपको यहाँ पर जुलाई 2023 में आपको यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों फ़ोन यहाँ पर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद जो है आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाना है दोस्तों। इमरजेंसी में यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करके आपको कोड को आपको एक्टिवेट करके अनलॉक करना है। *#*#3388 *#9986 इसको प्रेस करना है दोस्तों। इसको प्रेस करके जो है आपको कॉलिंग बटन को 3 बार आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रेस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों *#8999 इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका इंजीनियर मोड ओपन हो जाएगा। इंजीनियर मोड ओपन होने के बाद आपको मैनुअल टेस्ट में जाना है। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। अदर्स का ऑप्शन में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन में सबसे पहले रीड राइट जो है इसको प्रेस करना है, और आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर 2 बार आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है दोस्तों। कैंसिल यहाँ करने के बाद फुल्ली आपको बैक आ जाना है। बैक यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको जो इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में जाने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पर एक्टिवेट करने का जो कोड है *#*003*#3300 इसको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। इसको प्रेस करने के बाद कॉलिंग बटन को आपको यहाँ पर इसको भी आपको यहाँ पर प्रेस करके एक्टिवेट यहाँ पर करना है। इसको यहाँ पर आप 5 बार यहाँ पर आप इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद दोस्तों *#8999 यहाँ पर आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको मैनुअल टेस्ट में जाना है दोस्तों। मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद आपको अदर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद कोड यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है दोस्तों। इस तरह से आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके यहाँ पर करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके यहाँ पर कर लेने के बाद दोस्तों 3 बार आपको यहाँ पर डाटाबेस जो है इसको आपको यहाँ पर टच कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर DET स्टेटस जो है इसको भी आपको टच कर लेना है। रीडिंग जो कम्प्लीट टेस्ट है इसको आपको यहाँ पर पास यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो पास आएगा दोस्तों, पास यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाना है, और आपको यहाँ पर *#22*#8*#3303* इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। इसके बाद आपको कॉलिंग बटन को आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर आपको 5 से 6 बार आपको यहाँ पर प्रेस करना है। इसको आपको यहाँ पर 5 से 6 बार प्रेस करना है दोस्तों। इस कोड को मिटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कोड का है यह काम हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर पासवर्ड को गलत पासवर्ड को आपको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपल तरीका से जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है, और आपको यहाँ पर पावर ऑफ का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से आगे आपको यहाँ पर करना है। पावर ऑफ यहाँ पर करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं दोस्तों, और आगे भी आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपका यहाँ पर जो है कोड जो है आपका वर्किंग है कि किस तरह से आपको यहाँ पर
कैसे क्या होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कुछ देर इंतजार करने के बाद आपको लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों वाइप डाटा में है, यहाँ पर दोस्तों जैसे इंटर कर रहे थे पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा था, लेकिन फॉर्मेट डाटा का जो ऑप्शन है सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसको यहाँ पर करने के बाद दोस्तों ओके कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका यहाँ पर 100% सक्सेसफुल आपका यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से ओके यहाँ पर करेंगे दोस्तों, फ़ोन आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा दोस्तों, और ऑफ होने के बाद कुछ देर के बाद ऑन होगा। तो इस तरह से दोस्तों घर बैठे आप बड़ी से आसानी से ओप्पो का यहाँ पर कोड के सहायता से और ट्रिक के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस दोस्तों वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके FRP का ऑप्शन को यहाँ पर दिखाते हैं। इस तरह से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको कनेक्ट टू वाईफाई इसको आपको स्किप कर देना है, इसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। वाईफाई असिस्टेंट को इसको यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल सर्विस आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट में करने के बाद दोस्तों इसको स्किप करना है, इस तरह से स्किप कर लेना है। इसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको सेट न्यू ओप्पो फोन में आपको चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको सबको आपको एप्स वगैरह को भी स्किप कर लेना है और आपको यहाँ पर जेट स्टार्ट जो है आपको यहाँ पर टच करना है और फ़ोन आपका यहाँ पर